सुबह सुबह बच्चों के काम करने के बाद मैं आई थी नहा धो करके कि अब यहाँ से आगे का देखते, लेकिन तब तक मैं अचानक से ऑर्डर आया। फिर क्या था, मैं लग गई बनाने में, क्योंकि ऑर्डर कुछ ऐसा था कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ सुखाने वाली नहीं थी, तो ये आज भी डिस्पैच हो सकते हैं। 2 से 3 घंटे लगेंगे बनाने में, तो मैं करीब 11 बजे लग गई थी और 2 बजे डिस्पैच करना होता है, तो यहाँ से 11 बजे से लगी थी, तो मेरा ना ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है, अभी क्या क्या डिस्पैच करना है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो पैक करनी थी ना, वो कल रात मैंने पैक कर लिए थे भेजने वाले में, एक दिन पहले ही रात में कर लेती हूँ पैकिंग, लेकिन अचानक ऑर्डर आया तो सैटरडे संडे मैं यहाँ से पार्सल डिस्पैच नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से मैं सोची कि आज फ्राइडे है, ये फ्राइडे व्लॉग है, तो आज ही कर देती हूँ, वरना ऑर्डर भी आ चुका है और 2 दिन मेरे पास पड़ा रहेगा। अब सैटरडे को जो भी ऑर्डर आएंगे, पेमेंट आएंगे, वो संडे के वो सब इकट्ठे होके एक साथ जाएंगे मंडे को। तो यहाँ मैं पहले तो नजरी बना रही हूँ, जो कि ऐसे 4 बजे नजरी बनाने थे, और ये बन के सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और 2 बजने वाली है, उससे पहले पहले रेडी हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सबको पैकिंग भी कर ही देती हूँ लगे हाथ। तो नेम कस्टमाइजेशन वाली नजरी मैं ही हूँ पहली शुरुआत करने वाली पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में, और मैं अब जब बूढ़ी होंगी ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस में से ये बोलूँगी कि मैंने पूरी दुनिया के बच्चों को नजरी पहनाए अपने टाइम पे ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नजरी के ऑर्डर आते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी पैक हो चुकी है, नेकलेस थे, सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। अब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मीडिया भी स्टार्ट होने वाली है, बेसिक कोर्स, उसके बाद फिर से है एडवांस कोर्स 4:30 बजे से, फिर से हैगा, मतलब कि एक सुबह बैच हुआ था, और इसके बाद फिर ये मेरी एडवांस कोर्स की फाइल है, स्टूडेंट्स को क्या क्या बनवाया है वो मैं एंट्री करती हूँ। इसके अलावा ये मेरी बेसिक कोर्स की फाइल है, ये मेरी किट है, सब लेके बैठी हुई हूँ, और मैं ना बैठे बैठे सोची कि चलो ये वाली इयरिंग पहन लेते हैं। अभी सारे पार्सल जो है ना पैक करके दिए हस्बैंड को डिस्पैच के लिए, और अभी वो आते ही होंगे, 15-20 मिनट हो गए गए, तो वो आएंगे तो वो बच्चों को सुलाएंगे और मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेरी अभी से कंटिन्यू क्लास है, जैसे कि अभी 3 से 4:30 चलेंगे हमारे बेसिक कोर्स, और 4:30 से स्टार्ट हो जाएंगे एडवांस कोर्स। तो बेसिक कोर्स तो 90 मिनट की है, 1.5 घंटे की, लेकिन एडवांस कोर्स जो है लगातार 3 घंटे की है। आज हमारी जो अभी एडवांस क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग मेरी वो ज्वेलरी बनाने वाले हैं जो कि काफी अच्छे बल्क में बिकी है, थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ना बिगड़ी हुई है, तो मैं ज्यादा कुछ पहनी नहीं, कुछ ढंग से रेडी नहीं हुई, मेरी आंखें भी सूजी हुई थी, कंघी नहीं कर पाई, बट सब बाल वाल ऐसे समेट लिया। आज सुबह से मैं खाने का टाइम दलिया बनाया सिर्फ मैंने सुबह जल्दी जल्दी, अचानक से ऑर्डर आया था, मैंने भी पैकिंग किया है, अगर अभी दिखा दी होंगी तो ठीक, नहीं तो आगे दिखा दूंगी। 2 नजरी थी, यानी कि 4 नजरी थी, दोनों हाथ के हो गए ना, तो लेके 4 हो गए, 4 नजरी बनानी थी मुझे, और फिर मांग टिक्का इयरिंग बनाने थे ब्रास वाले, उसके अलावा मल्टी कलर वाली ब्रास की, एक आपने देखी होंगी यहाँ पे ऐसे पेंडेंट थी, और वो पूरी की पूरी अलग अलग कलर की मिक्सअप में नेकलेस थी, वो बनानी थी। करीब 11 बजे पेमेंट आया होगा, और मैं वहां से लगी लगातार बनाने में, मेरा टाइम हो रखा था, बच्चों को जस्ट खिलाया था, नहला धुला के कपड़े वपड़े पहनाए थे और रेडी की थी, और बस टाइम हो रखा था मेरे नाश्ते का, मैंने छोड़ा, मैंने कहा कि कल सैटरडे है, कल और परसों 2 दिन डिस्पैच नहीं हो पाता हमारा पार्सल, तो इस वजह से मैंने फिर आज, मेरी कोशिश थी कि मैं आज ही डिस्पैच करूं, एक्चुअली मैं उनके ऑर्डर कल आए थे, बट पेमेंट आते ही पेमेंट आ जाया, तो मैंने उसके बाद बनाना स्टार्ट किया, फिर वो डिस्पैच किया। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं सोचिए रूटीन बता देती हूँ, व्लॉग का मतलब रूटीन आपको पता चलना चाहिए, और आज मैं व्लॉग जो मेरा जाता ना कल वाला सारा वो नहीं जा पाया, एडिट तो है लेकिन आवाज डालने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो देखो क्या होता है कैसे बनता है। अभी मैं क्लास ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लेमन वाले इयरिंग, और ये जब मेरा बिका था ना जिन्होंने कस्टमाइजेशन कराए थे, तो उस वक्त स्टार्टिंग ही था समर का सीजन का, तो समर के सीजन के स्टार्टिंग में ये निकले थे 4-5 सेट ऐसे, ये लेमन वाले निकले थे, और एक सबसे पहला जो बनाई थी ना, तो ये मैंने खुद के लिए बनाया था, सबसे पहले वाले पीस में उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आई थी, क्योंकि पहला पीस था ये मेरा, फिर धीरे 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 बहुत सारे जब बनाए ना तो फिर फिनिशिंग आई, इसके बाद ही मैंने दुर्गा जी वाली इयरिंग्स बेचनी स्टार्ट करी थी ऐसे करके, तो ये बहुत पहले बनाई थी मैं, तो आज मैं निकाली तो मैं सोची चलो पहनती हूँ, और दुर्गा जी वाली भी एक इयरिंग मैंने अपने पास रखी थी, और माँ वाली इयरिंग एक मैंने अपने पास रखी है, तो जो भी फर्स्ट बनाती हूँ ना
फर्स्ट कुछ भी चीज बनाओ तो कुछ 19-20 होता है, तो ये ध्यान हो जाता है कि हाँ अब जो बनाने हैं उसमें ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी, तो बस फर्स्ट पीस मेरे पास रह जाती है, सेकंड थर्ड जो बनता है उसके बाद सब वो कस्टमर्स पर चले जाते हैं। मंगलसूत्र मैं अभी तक पहन के नहीं ट्राई की थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने इस बार जाके, आप मेरे गले में देख रहे होंगे मेरे हाथ की बनी हुई मंगलसूत्र, तो मैं जाते कुंदन पे नहीं गई क्योंकि मैं चाह रही थी डेली वियर का रहे और बहुत हल्के में रहे, तो सिंगल दो पीस, मतलब दो पीस के बनवाए हैं मेरी कस्टमर ने बनवाए सिंगल पीस के कुंदन के, देखने में बड़े अच्छे लगे और मुझे ऐसा लगा ना कि सारे मंगलसूत्र के मुकाबले वो सबसे ज्यादा मजबूत है सिंगल पीस वाले, तो फिर मैं सोची कि चलो बनाती हूँ। अब क्या हुआ ना कि क्लास में दो पीस का सिखा रही थी कुंदन, तो बना दी सब कुछ करवा दी और सोची थी कि ना लास्ट में स्टूडेंट्स तो दो पीस वाले कनेक्ट करेंगे बट मैं सिंगल पीस वाले कनेक्ट करूंगी, मैं ये सोच रही थी, बट मेरी स्मार्टनेस फेल हो गई और गलती से मैंने ना इसी को लॉक कर दिया, फिर लॉक कर दी तो मैं क्यों, ओ नो मेरा राउंड वाला, मतलब कि मैं पहली बार मंगलसूत्र पहनी बट वो भी अपने पसंद वाला सिंगल पीस वाला नहीं पहन पाई। आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी डेली वेयर में बनवाओ अगर तो सिंगल पीस ही बनवाओ, वैसे तो 3-4-5 कुंदन वाले भी बनते हैं बट ओकेजनली रखो कभी कभी बाहर जाने आने के लिए, कितना भी है तो आर्टिफिशियल चीज, बट ये कुंदन की सबसे खास बात ये है ना कि कभी खराब नहीं होती है, इसका कलर ऐसे का एज इट इज ऐसे का ऐसा ही रहेगा, खुल जाए तो वापस दूसरा कनेक्ट करके रेडी कर लो, टूट जाए तो भी दूसरा कनेक्ट, मतलब टूटेगा कुंदन ही टूटेगा, बीच से कनेक्शन ही टूटेंगे ना, दूसरा फिर से बना लो इसका, और जो लोग बनाना सीख रहे हैं उनको बनाना आ गया होगा कैसे कनेक्ट करती हूँ डोरी को, लॉकिंग कैसे करती हूँ, सारी चीजें आ गई हैं, और जिन्हें नहीं आई जिन्हें सीखना हो सीख सकते हो, बाकी किसी को मंगाना हो ना तो सिंगल पीस वाले मंगाओ, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें ना तो एक्स्ट्रा कुछ, अरे मेरी क्लास की टाइमिंग हो गई, बाय बाय बाय। यहाँ मैं क्लास ले रही थी, अभी मेरी थोड़ी बहुत ही क्लास हुई ही थी कि अनमोल आ गया और वो पूछ रहा था मम्मी काम हो गया क्या, इसका पूरे दिन सवाल होता है, जब मैं ज्वेलरी बना रही थी ना तो पूछ रहा मम्मी काम हो गया क्या, कितना काम करोगी मैंने कहा कि काम तो पूरे दिन होते रहना चाहिए ना अनमोल, फिर रात में आया था, पता है रात में मैंने कुंदन कस्टमाइजेशन कर रही थी और एक ब्रॉन्च के ऑर्डर आए थे जो कि 200 पीस के ऑर्डर अभी आए नहीं है, सैंपल भेजना है अगर पसंद आएगी तो आ जाएगी ऑर्डर, सैंपल भेजना है मुझे ब्रॉन्च के, तो अभी तो मैं ये सारे क्लास ले रही थी सारी चीज़ें करते हैं, अनमोल बहुत परेशान है मम्मी कब होगा काम, और देख रहा हूँ उसका जम्हाई ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं जल्दी फ्री हूँ। मैं यहाँ कान्हा जी वाली ज्वेलरी, सबसे मुझे नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट कान्हा जी वाली ज्वेलरी पढ़ने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये प्रॉपर कुछ स्टूडेंट्स को तो प्रॉपरली समझ में आ रहे थे और कुछ को थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो मैं वो सोची कि आगे किसी क्लास में फिर से ऐड करके और फिर उनको बता दूंगी, एक आध से इनको प्रॉब्लम आती है कान्हा जी वाली ज्वेलरी में। अब मेरी क्लास सैटरडे और संडे दो दिन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि बेसिक वालों को ही लूँ सैटरडे, क्योंकि संडे को मुझे जाना है मेरे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, और ये मीटिंग ना थोड़े लंबे समय के गैप पे होता है तो जाना ज़रूरी है, और संडे की क्लास सारी मंडे नहीं तो ट्यूसडे को ऐसे करके मैं करूँगी, तो यहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली, मेरा सेटअप इस तरीके से रहता है क्लास के वक्त की स्टूडेंट को सारी चीज़ें प्रॉपर वे में दिखे, कैसे पिंस घुमा रही हूँ, एक एक चीज़ प्रॉपर वे में दिखे, तो ये सारी चीज़ें मेरी रहती है। अभी जो नेक्स्ट क्लास है सैटरडे को, उसमें सबके डे वन है, डे वन की बैच है वो, तो वो सारी चीज़ें देखती हूँ नहीं वो तो मंडे। और ये देखें यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये सैम्पल, तो मैंने ना एक पिंक ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाया, मुझे ऐसा लगा ना कि क्रीम कलर के कपड़े पे अगर रेड कुंदन लगा दे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इनको ना बिल्कुल सिंपल में चाहिए था, सिंपल लुक 25th एनिवर्सरी के लिए, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ इनको, ना तो इसमें टैसल्स चाहिए फिर मोर पंख भी नहीं चाहिए, तो मैंने उनको सैंपल भेज दिए, इसके बाद मैं लग गई थी कस्टमाइजेशन में, लेकिन ये बच्चे ना रात में 12-12 1-1 बजे तक नहीं सोते, अब मैं कलर रख रख के देख रही थी कौन सा कलर बेस्ट लगेगा, और लास्ट में मुझे ये कलर मिला, ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर था, और अब तक की सबसे बेस्ट मेरी कुंदन नेकलेस सेट ये होने वाली है, जब मैं बना रही थी तो मुझे आइडिया आ गया था कि अब तक की सबसे बेस्ट दिखने वाली सेट कलर कॉम्बिनेशन से लेके डिज़ाइन तक में, और इस बार मैंने ये डबल लेयर में इस तरीके से कस्टमाइजेशन किया है, और कैसे लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मुझे फ़ोटो भी भेजनी है, और मैं मोस्टली ना जो भी काम करती हूँ मेरे जिनके कस्टमाइजेशन हो रहे हैं उनको कंटिन्यू फ़ोटो भेज लेते, देखो रात में 12 बजे लड्डू को भूख लगी और यहाँ पे चलते